Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. Friends, I hope all of you are doing great. Friends, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अफोर्डेबल ग्लिटर आई शेडो पैलेट का रिव्यू एंड दैट इज़ दिस. आप देख सकते हो दिस इज ग्लैम 21 ट्विंकल आईज 10 कलर आई शेडो पैलेट. तो आप देख सकते हो गाइस इसमें 10 कलर्स का हमको ग्लिटर्स मिल रहे हैं, प्रेस्ड ग्लिटर्स. अगर आपको जानना है इस पैलेट के बारे में सब कुछ, whether you should take this palette or not, then do continue watching. मगर उससे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्लीज गिव दिस वीडियो लाइक एंड शेयर इफ दिस इज रियली हेल्पफुल एंड यू एंजॉयड वॉचिंग. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. आप देख सकते हो गाइस इसका पैकेजिंग इस तरीके का है. सो हियर इट्स रिटन ग्लैम 21 ट्विंकल आईज 10 कलर आई शैडो पैलेट. टू वेरियंट्स में आता है, 1 is 01 and 02. सो आई हैव द पैलेट नंबर 01 विथ मी. आप देख सकते हो इधर इसका इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, तो इधर पैराबेन मेंशन नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. नेट वेट इज 13 ग्राम्स एंड इसमें हमको मिल रहा है 5 ईयर्स ऑफ सेल्फ लाइफ एंड दिस इज मेड इन PRC. एंड इसका जो प्राइस इधर मेंशन है दैट इज ₹319. इज अ क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट. तो आप देख सकते हो इसका पैकेजिंग इस तरीके का है, ये प्लास्टिक का है आप देख सकते हो. एंड प्लास्टिक का क्वालिटी अच्छा है, ज़्यादा फ्लिम्सी नहीं है, अच्छे से क्लोज होता है. तो इधर बैक साइड में भी सारा डिटेल्स हमको मिल जाएगा जो आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग के ऊपर लिखा हुआ है. इन टोटल देर आर 10 ग्लिटर्स, प्रेस्ड ग्लिटर्स. तो बहुत ही अच्छी बात है इतने सारे शेड्स हमको मिल रहे हैं. एंड जो पैन का साइज़ भी बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अच्छा है. एंड इधर आप देख सकते हो ये जो बीच का ये जो शेड है, तो दिस इज़ बेसिकली ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ शेड एंड इसमें बड़े बड़े चंकी स्टार्स एंड मून्स इस टाइप का कुछ है. तो दिस इज़ ओनली फॉर फंकी आई मेकअप, दिस इज़ नॉट फॉर रेगुलर यूज़. तो बाकी के जो शेड्स हैं हम देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल शेड्स हैं. तो आप देख सकते हो मैंने बहुत ही हल्का फुल्का इसको टच किया, इतने अच्छे से फिंगर के ऊपर ये आ गया. तो कलर पे ऑफ इज़ वेरी गुड. देख सकते हो गाइस मैंने बहुत ही हल्का फुल्का इनको स्वाच किया है, ज़्यादा मैंने प्रोडक्ट नहीं लिया है. तो आप देख सकते हो कितना अच्छे से ये मेरे हाथ के ऊपर आ गया है. एंड आप अभी भी देख सकते हो मेरे हैंड के ऊपर और भी प्रोडक्ट है, पूरा ये ट्रांसफ़र नहीं हुआ है. तो ये जो सेकेंड रो है मैं इसको भी थोड़ा स्वाच कर लेती हूँ, आपको दिखा देती हूँ इनका पिगमेंटेशन. तो ये आप देख सकते हो गाइस एक वैक्स काइंड ऑफ है, अच्छे से पिक नहीं हो रहा है. सो आई स्वाच दिस शेड एंड लास्टली दिस वन. आप कलर इंटेंसिटी एंड इसका जो साइन है, जो ग्लिटरीनेस है गाइज, यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. एंड आईज के ऊपर तो बहुत ही गॉर्जियस लुक देते हैं गाइज ये सारे ही शेड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं. सो गाइज फर्स्ट मैं ले रही हूँ एक पीच कलर का आई शेडो फ्रॉम दिस पैलेट, दिस इज ब्यूटी ग्लेस्ड गॉर्जियस में आई शेडो ट्रे. तो इसका भी कंप्लीट रिव्यू आपको मेरे चैनल पे, आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा. तो इसमें से ये जो पीच काइंड ऑफ शेड है, आई एम टेकिंग दिस शेड ओवर हियर, दिस वन यू कैन सी दिस वन. ये जो शेड है पिंक एंड रेड का मिक्स काइंड ऑफ शेड है, तो इसको मैं ले रही हूँ एंड इसको मैं ब्लेंड करूँगी उसके नीचे ओवर हियर लाइक दिस. तो इसके लिए मैं एक छोटा ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ, ये वाला जो शेड है. आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ऑन माई आईलिड. तो दोस्तों गाइस मैं इतना ही इसको अप्लाई करूंगी, मैं पूरा कॉर्नर तक इसको नहीं लूंगी. आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ब्लू शेड ऑन दिस ब्लू कलर एंड देखते हैं ये कैसा दिखता है. बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं है, आप देख सकते हैं खुद ही कुछ भी फॉल आउट नहीं है इस प्रोडक्ट का. आउटर भी है, उसको मैं और थोड़ा अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ यूजिंग दैट शेड ओनली. जो सेम शेड है इसको मैं थोड़ा लोअर लैश लाइन भी अप्लाई कर लेती हूँ. गाइस मेरा जो लेफ्ट आई है मैं इसको कंप्लीट करके अभी बैक आती हूँ. गाइस आई एम गोइंग टू अप्लाई आईलाइनर, मैं ले रही हूँ मेबेलिन का कोलोजल आईलाइनर. सो नाउ आई एम टेकिंग काजल, दिस इज NY बेब काजल इन द शेड ब्लैक. तो मैं इसको सिर्फ हाफ ही अप्लाई करूंगी लाइक दिस, आप देख सकते हो लाइक दिस. मैं थोड़ा स्मोक आउट कर रही हूँ लाइक दिस. तो
तो जैसे तो गाइस मैंने फॉल्स अप्लाई कर लिया है, सो ना आई एम गोइंग टू टेक दिस हाइलाइटिंग सेड फ्रॉम दिस पैलेट, ये जो वाला सेड है, एंड दिस आई एम गोइंग टू यूज टू हाईलाइट इन अ कॉर्नर ऑफ माई आईज। थोड़ा मैं आईब्रो बोन को भी हाईलाइट कर लूँगी लाइक दिस। सो ना आई एम ऑल्सो गोइंग टू फिल माई आईब्रोज, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये वाला ब्रश। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू कोम माई आईब्रोज लाइक दिस। This black shade, I'm going to use this to fill my eyebrows. So guys, this is my final completed look. आप देख सकते हो मेरा आई मेकअप लुक। टेन आईशैडोज, 10 प्रेस ग्लिटर्स इन वन पैलेट एंड दैट टू फॉर ₹319, विच इज सो डैम चीप एंड अफोर्डेबल। एंड इसका क्वालिटी A1 है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है। एंड आपको ये जो प्रोडक्ट है इसके नीचे तक आपको सिर्फ ग्लिटर्स ही मिलेगा, देर इज नो वैसलिन का लेयर या ऐसा कुछ प्रोडक्ट। एंड इसको यूज़ करना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आपको किसी भी ग्लिटर ग्लू की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये डायरेक्टली आप स्टिक कर सकते हैं आपके आईज के ऊपर एंड बहुत ही ईजिली स्टिक भी हो जाता है, जैसा कि आपने देखा इस आई शेडो लुक में। सो गाइस, ज़्यादातर जो ग्लिटर के जो सेट्स होते हैं दैट दे डू नॉट पिक रियली वेल यूजिंग एनी ब्रश, मगर ये जो ग्लिटर्स हैं ये बहुत ही अच्छे से ब्रश से पिक होते हैं एंड बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं होता है गाइस। मतलब आई एम सो सरप्राइज्ड, मतलब ग्लिटर जो है होते हैं गाइस वो ज़रूर फॉल आउट देते हैं, मगर दैट इज़ नॉट द केस विद दीज ग्लिटर्स। बहुत ही अच्छा पार्टी एंड ग्लैमरस लुक देते हैं जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अगर आप पार्टीज या फंक्शंस या वेडिंग्स के लिए कुछ अच्छा एक ग्लिटर पैलेट के तलाश में हैं, देन डेफिनेटली गो एंड बाय दिस पैलेट, आई हाईली रिकमेंड। एंड आपको ये विदन ₹300 भी मिल जाएगा आफ्टर डिस्काउंट इन फ्लिपकार्ट, डू चेक इट आउट। सो गाइज, आई होप दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल एंड यू एंजॉयड वॉचिंग दिस मेकअप लुक एंड द रिव्यू ऑफ दिस पैलेट। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।